नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। जालौन पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी ने विपक्ष महागठबंधन पर तंज कसते हुए महागठबंधन को सांप बिच्छू व विशाल जीवों का झुंड बताया। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के आगे ये झुंड नहीं टिकेगा। वहीं देवरिया के शेल्टर होम कांड को पूर्ववर्ती सरकारों की देन बताया। जालौन में जिला प्रशासन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए करियर कोचिंग का शुभारंभ करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर किया, जिसके उपरांत मंत्री द्वारा मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा गया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सत्ता के मोह के चलते सांप बिच्छू और नेवले को मिलाकर महागठबंधन नाम से एक बड़ा वृक्ष तैयार किया है, जो कि आगामी लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के आगे ढह जाएगा। वहीं देवरिया में हुए शेल्टर हाउस कांड को उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों की देन बताया। वहीं आगे ऐसे कृत्य न हो जिसके लिए सरकार आगे ऐसे कितना हो जिसके लिए सरकार काम कर रही है। बुंदेलखंड में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। और जिन्होंने 19 महीने वीजा में जेल काटी है, ऐसे वीजा बंदी सभी बंधु आज जन सहयोग कार्यालय का की सुविधा के लिए माननीय विधायक जी ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास फिर से आना चाहते हैं और इसीलिए सब राजनीतिक दलों को मिला दिया है। दूसरे दल जिन पे है तो कुछ नहीं, लेकिन इस समय बाढ़ आ गई मोदी की, एक ही पेड़ पे चढ़ गए हैं सांप छजूंदर बिच्छू नेवला। हाँ, लेकिन ये नहीं जानते बाढ़ इतनी तेज आएगी कि वो पेड़ भी गिरेगा और वो भी गिरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अधिकारी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से और जिला के शिक्षा अधिकारी हैं उनके सहयोग से एक अनुभव प्रयोग किया जा रहा है कि वो निःशुल्क गरीब बच्चों को मेधावी बच्चों को शिक्षा देंगे ताकि वो कंपटीशन में बैठ सकें, आईएएस पीसीएस की परीक्षा में बैठ सकें। ये अभिनव प्रयोग इस जिले में हो रहा है, बुंदेलखंड की धरती पर हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ, जिलाधिकारी और सबको बधाई देता हूँ। कैसे प्रयोग और जनपदों में भी होना चाहिए। ग्रामोद्योग मंत्री यहाँ बुंदेलखंड में क्या बढ़ावा क्योंकि खादी ग्रामोद्योग का यहाँ कोई ज्यादा महत्व नहीं मिल पा रहा है, लोगों के लिए क्या? बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ जिला है, पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और एक जिला एक उत्पाद में हमने यहाँ पर हैंडमेड पेपर को लिया है। हम हथकरघा और वस्त्र उद्योग को भी जालौन जिले में बढ़ावा देंगे। कैसे देवरिया में शेल्टर हाउस में हुआ, एक साल पहले इसको बंद कर दिया, लेकिन सरकार ने क्यों अनदेखी की, एक साल तक क्यों चुप रखा? अब उसमें देखिए, ये पुरानी सरकारों की देन है, उनका दुष्परिणाम है और मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, कार्रवाई हो रही है। उसमें जिला अधिकारी तक तो हमारी सरकार ने नहीं बख्शा और मैं आज अपनी सरकार के बारे में ईमानदारी से कहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी उत्तर प्रदेश में होंगी तो बर्दाश्त नहीं होंगी और न वो अधिकारी जो शेल्टर दे रहे होंगे वो बख्शे जाएंगे।